10 लाख रुपए वाला सिक्का कहीं आपके पास तो नहीं? 19 साल पहले 2002 में जारी किया गया था माता वैष्णो देवी की तस्वीर वाला सिक्का। ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यदि ये सिक्का किसी के पास हो तो वो बहुत लकी होता है। बता दें कि माता वैष्णो देवी वाले ये सिक्के 10 या 5 रुपए के भी हो सकते हैं। यदि आपके पास है कोई ऐसा सिक्का तो ये खबर आपके लिए है। मीडिया में सामने आई कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडिया मार्ट वेबसाइट पर ऐसे खास सिक्कों और नोटों की नीलामी होती रहती है। कुछ लोग पुराने या एंटीक सिक्के और नोट इकट्ठे करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें पुराने सिक्के इकट्ठे करने का शौक होता है। ये पैसा कमाने का एक बेहतरीन मौका है जिसमें आपको माताजी की तस्वीर वाला सिक्का ई कॉमर्स साइट पर बेचना है, वो भी लाखों की कीमत में। राहत वाली खबर, खुदरा के बाद थोक महंगाई भी घटी। दिसंबर 2020 में थोक महंगाई दर घटकर 1.22% रह गई थी, जो कि नवंबर 2020 में 1.55% और दिसंबर 2019 में 2.76% रही थी। इससे पहले मंगलवार को सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में खुदरा महंगाई में भी गिरावट देखने को मिली थी। बता दें कि दिसंबर में खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट के चलते थोक महंगाई घटी है। देखें खाने की चीजों पर कितनी घटी महंगाई। खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति नवंबर में 3.94% बढ़ी थी, जबकि दिसंबर में इसमें 1.11% की गिरावट दर्ज की गई है। ईंधन और बिजली सूचकांक में नवंबर में 9.87% की गिरावट आई थी, जबकि दिसंबर में ये 8.72% कम हुआ। मगर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की मुद्रास्फीति दिसंबर में 4.24% बढ़ी, जो कि नवंबर में 2.97% बढ़ी थी। इन चीजों के बड़े दाम, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में 5.47%, खनिज और गैर खाद्य उत्पादों की कीमतें नवंबर 2020 की तुलना में दिसंबर में बढ़ी। इसमें पहले दिसंबर 2020 में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.59% रह गई थी, जो नवंबर में 6.93% पर थी। खुदरा महंगाई में भी गिरावट मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में कमी के कारण आई थी। आपके बिजनेस का सच्चा साथी